नमस्कार, आज मेरा ये वीडियो कुछ अलग है आप सभी के लिए। ये कुछ जुड़ा हुआ है हमारी भावनाओं से, कुछ हम मनोविज्ञान से, जिसमें मैंने अपने जीवन के कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। हाँ, बच्चों से डिफरेंट है, बच्चों की स्टडी से डिफरेंट है, बट ये आप सभी के लिए यूजफुल होगा, आपकी लाइफ के लिए, आज के समय के लिए, अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं। किसी भी लड़ाई वाद विवाद का मूल कारण होता है मैं सही तुम गलत। अगर यह समझ में आ जाए कि संसार में हर व्यक्ति जो भी कर रहा है वह उसके दृष्टिकोण से सही है, वह जो कर रहा है उसने अपने परिवार से, समाज से, दोस्तों से वही संस्कार और सोच सीखी है, तो वाद विवाद को, लड़ाई झगड़े को वहीं समाप्त करना आसान हो जाएगा। वैसे भी समाज में आज सभी ने गलत और सही की परिभाषा खुद से ही बनाई हुई है। एक गलत करने वाला व्यक्ति दूसरे को, जो सही भी है, उसे भी गलत ठहरा रहा होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कौन सही और कौन गलत? तुलना का वायरस ईर्ष्या, असंतोष, मूल्यहीनता जैसी कई बीमारियों को जन्म देता है। हम किसी गुलाब की तुलना कमल से नहीं कर सकते, और दूसरों को देखने की आदत भी तभी खत्म हो सकती है जब हम अपने अंदर की सुंदरता को देखने में व्यस्त हों। तुलना छोड़े तो संतोष अपने आप ही आता है। भगवान कहते हैं, सच की नैया हिलती है, डुलती है, पर कभी डूबती नहीं। इसलिए किसी भी प्रॉब्लम से घबराना नहीं, समय आने पर सत्य सामने आ ही जाता है। और समस्याएं तो केवल हमें शक्तिशाली बनाने के लिए आती हैं। भगवान कहते हैं कि किसी के लिए इस तरह के शब्द कभी नहीं बोलने हैं कि यह तो कभी नहीं बदलेगा। ऐसा बोलना भी किसी को श्राप देने के बराबर है, बजाय इसके शुभ भावना रखते हुए वही सोचना जैसा बदलाव हम उस आत्मा के प्रति चाहते हैं। बॉडी कॉन्शियस देह अभिमान के कारण या तो हम दूसरों से प्रशंसा चाहते हैं या फिर सहानुभूति, ये दोनों ही हमारे अहंकार को बढ़ावा देती हैं। यदि हम सोल कॉन्शियस आत्मिक स्वरूप में होते हैं तो हम स्वयं में ही पूर्ण होते हैं। हमें ना तो दूसरों से प्रशंसा की और ना ही सहानुभूति की आवश्यकता होती है। मनोविज्ञान बताता है कि हमारे हर एक व्यवहार और कर्म के पीछे कोई ना कोई मनोविज्ञान कार्य करता है, पर जब तक हम स्वयं को ठीक से नहीं समझ पाते तब तक हम हमारे साथ होने वाली हर बात, खुशी और दुख के लिए व्यक्ति और वस्तुओं को जिम्मेवार ठहराते रहते हैं। अपने को समझने के लिए आवश्यक है अपना ध्यान औरों से हटाकर स्वयं की हर एक गतिविधियों को देखना। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है कि वह हर बात का कारण और निवारण बाहर ढूंढने का प्रयास करता है, और हर समस्या के लिए हर बार बाहरी लोगों को, वस्तुओं को या स्थिति परिस्थितियों को दोषी ठहराता है। जिस घड़ी वह यह मान ले कि उसकी हर समस्या का कारण और निवारण केवल और केवल उसके पास है, तो वह अपनी समस्याओं से निदान पा सकता है। और यह सत्य है कि हर समस्या का समाधान केवल हमारे स्वयं के पास ही होता है। एकमात्र सोच के परिवर्तन के द्वारा हम हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमें कभी कभी लगता है कि कोई हमें समझता ही नहीं है, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारी योग्यता के अनुसार हमें महत्व ही नहीं दिया जाता। जब हम यह सोच रहे होते हैं तो हम उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें योग्य बनाया,
केवल उन लोगों की स्मृति में रहते हैं जिन्होंने ना तो हीरे को कभी देखा और ना हीरे जैसे बनने की प्रयास किया। तो फिर यह सामान्य सी बात है कि वह हीरे की को कांच ही समझेंगे, क्योंकि एक हीरे की परख तो केवल और केवल जौहरी ही कर सकता है। तो दूसरी ओर देखा जाए तो आज हर एक में अहम बहुत ज़्यादा है। फिर चाहे हम बात करें बच्चों की, तो वह बात बात में बोल ही देते हैं कि आपको तो कुछ नहीं आता। या बात करें बुजुर्गों की, तो वह भी सामान्यतः यही कहते हैं कि हमारे जमाने में तो हम बहुत मेहनत किया करते थे, आज के बच्चों से तो कुछ नहीं होता। यह तो एक नॉर्मल बात हो गई है। हम भला क्यों दूसरों की बातों में आकर अपने वैल्यू को कम समझें? यदि हम स्वयं ही स्वयं को अच्छे से समझ जाएंगे तो हमें कभी यह आवश्यक ही नहीं लगेगा कि कोई और हमें समझे। भगवान कहते हैं कि जब भी हम किसी की भी कमी कमजोरियों को देखें तो यह सोचें कि यदि यही कमजोरी मेरे अंदर भी होती तो क्या मैं इसे फैलाता या इसे सही करने का प्रयास करता। यही सोच दूसरों की कमी कमजोरियों को देख उसे फैलाने की बजाय उनके प्रति शुभ भावना रखते हुए उन्हें दूर करने का प्रयास करें। बड़ी बात को भी छोटी करें, ना कि छोटी बात को बड़ा, क्योंकि बातें कभी छोटी या बड़ी नहीं होती, छोटी और बड़ी होती है हमारी सोच। यदि किसी के लिए अनेकों अच्छे प्रयास करने पर भी वह व्यक्ति आपके हर कार्य में कमी निकालता है, आपकी दूसरों के सामने आलोचना करता है, आपके हर कार्य में शक करता है, नकारात्मक दृष्टि रखता है और कभी खुश नहीं होता, तो कमी आपके प्रयासों में नहीं, उस व्यक्ति में है, क्योंकि वह व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट नहीं है और स्वयं से संतुष्ट ना होने के कारण वह औरों के कार्य में असंतुष्टि व्यक्त करता है। जब हमारा टारगेट बहुत ऊंचा होता है तो हमारे पास व्यर्थ बातों के लिए समय नहीं होता। हमारा ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य पर होता है। तो अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा बनाएं कि हमारा ध्यान मन किसी भी व्यर्थ बातों पर न जाए और सदैव अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यरत रहे। संसार में कई लोग अपने ही दर्द और तकलीफों को सबको बताते रहते हैं, पर कभी दूसरे की तकलीफ को सुनना पड़े तो उन्हें लगता है कि यह तो छोटी सी बात है, मेरी तकलीफ तो बहुत बड़ी है। क्या आपको नहीं लगता कि यह भी केवल हमारा अहंकार है, अपनी तकलीफ को बहुत बड़ा समझना? क्योंकि संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास हाथ पैर ना होने के बावजूद भी वह बहुत कुछ कर चुके हैं। यह केवल हमारा देह अभिमान है जो हम हमेशा सोचते हैं कि हम बहुत दुखी हैं। हमारे जितना दुख तो किसी के पास नहीं, सब हमें ही पूछें, सब हमारे लिए ही सोचें, पर यह नहीं सोचते कि रोने वाला बच्चा भला किसी को पसंद आता है। सभी को वही बच्चा पसंद आता है जो हंसता खेलता रहता है, तो भगवान को भी तो वही बच्चे पसंद आएंगे जो सदा हंसते खेलते रहेंगे। तो छोटी मोटी बातों को रुई बनाकर फूंक मार कर उड़ा दीजिए और सदा हंसते रहिए। यकीन मानिए, हो सकता है कि आज आपके अच्छा करने और सोचने के बाद भी आप ही के परिवार के सदस्य वे अन्य कोई आपके प्रति गलत सोच रखते हो, आपकी आलोचना करते हो, आपके लिए षड्यंत्र रचते हो, पर आप अपने प्रयासों पर तत्पर रहिए, क्योंकि वह समय जरूर आएगा जब वही लोग आपके प्रति अपनी सोच को बदल देंगे। कहा जाता है सब्र का फल मीठा होता है, और सत्य की नाव हिलती है डुलती है पर कभी डूबती नहीं। तो सब्र रखिए, सब अच्छा होगा। यदि हमारी एक्सपेक्टेशन हमें जो मिल रहा है उससे बहुत ज्यादा है तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं और
औरों की हर चीज में कमी निकालते हैं। तो अपनी आशा अपेक्षाओं को छोड़ संतुष्टि को धारण करें, इसी में ही सुख शांति समाई हुई है। यदि आपको कोई सम्मान दे रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप बहुत विशेष हैं, या आपने उस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया है, या आप पद में या धन दौलत में बहुत ऊंचे हैं। क्योंकि संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने ही परिवार के सदस्यों से सम्मान की अपेक्षा नहीं रख पाते, सब कुछ होते हुए भी। वास्तव में विशेष वह व्यक्ति है जो औरों को सम्मान और प्यार देता है, क्योंकि किसी को भी देने के लिए पहले हमारे पास वह होना जरूरी है, तभी हम किसी को कुछ दे पाएंगे। तो परमात्मा से प्यार अपने अंदर भरते रहें और विशेष बने, सबको प्यार और सम्मान बांटते रहें। सहन करना किसे कहते हैं? क्या सहन करना चाहिए और क्या नहीं? और जिसे हम सहन करना कहते हैं, क्या वह वास्तव में सहन करना है? भगवान बताते हैं कि जो बात हम सहन करते हैं, वह हम दोबारा ना तो स्वयं से ना ही किसी और से जिक्र करते हैं। सहन करने का अर्थ वास्तव में है कि किसी के द्वारा कहे गए अपशब्द या किए गए गलत कर्म को उसी समय लेट गो कर देना। कई बार कई लोग ऐसा बोलते हैं कि घर में उनके साथ गलत व्यवहार होता है, वह चुपचाप डर की वजह से सहन करते रहते हैं, पर उस बात को वह ना जाने कितनी बार स्वयं से और औरों से जिक्र करते हैं, और हर बार कहते हैं कि मैंने चुपचाप सहन कर लिया, और मैं कितना सहन करूं, और उसकी वजह से मानसिक रूप से स्ट्रेस में रहते हैं। पर क्या वास्तव में यह सहन करने लायक है, और क्या यह सहन करना है? ना ही यह सहन करने के लायक है और ना ही इसे सहन करना है। भगवान एक बात और बताते हैं कि जो आत्मा दूसरों को कष्ट दे रही होती है, वह स्वयं बहुत कष्ट में है, दर्द में है, तकलीफ में है। यही कारण है कि वह अपना दर्द औरों के ऊपर गुस्सा करके निकाल रही होती है। तो ऐसे में हमें उस आत्मा के प्रति रहम दिल बनना होता है, उसके प्रति अच्छी सोच रखकर गुड वाइब्रेशंस उसकी तरफ भेजने होते हैं, और वही सोचना होता है जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। तभी हम हमारे जीवन में और उस व्यक्ति में बदलाव ला सकते हैं। और यदि हम वास्तव में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें प्रतिदिन आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़कर मेडिटेशन के द्वारा स्वयं में शक्तियां भरनी होती हैं। तभी हम किसी के भी प्रति अच्छा सोच सकते हैं। जब हम स्वयं के वास्तविक स्वरूप आत्मा में टिकते हैं, तो हम दर्द डर जैसे शब्दों से बहुत ऊपर होते हैं। आज ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, बहुत सारी किताबें हैं जो ज्ञान से भरपूर हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल गुरु भी आज दिखाई देते हैं, पर वास्तव में क्या वह ज्ञानी है? ज्ञानी तो वह है जो अपने हर कार्य को करते समय उस ज्ञान श्रीमत की स्मृति में होता है। ज्ञान केवल सुनने और सुनाने की चीज नहीं है, वह तो जीवन में उतारने की चीज है। हर कर्म करते और बोलते समय हमें यह स्मरण रहे कि क्या यह श्रीमत प्रमाण अनुसार है, और यदि नहीं तो ऐसे कर्म और बोल को तभी त्याग दें। जो अपने भीतर देखते हैं, वह शक्तिशाली बन जाते हैं, और जो दूसरों को देखते रह जाते हैं, वह मानसिक रूप से कमजोर होते जाते हैं। तो तुलना छोड़ें और अतुलनीय बने। तुलना दुख का कारण है। आप हो, आप किसी के जैसे नहीं हो। यह जब स्वयं को देखेंगे, तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। मनुष्य की प्रवृत्ति भी बड़ी अजीब होती है। जब उसे कुछ नया मिलता है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, पर जैसे ही उसका मन कहता है
कि मुझे तो अभी और चाहिए, वैसे ही उसकी सारी खुशी समाप्त हो जाती है और वह दूसरी चीज की कामना में जुट जाता है। फिर से वही टेंशन एक नई चीज को पाने की। कितना अच्छा हो कि हमें जो मिला है उसमें हम खुश रहें और जो नया मिलने वाला है वह समय आने पर मिल ही जाएगा। मन में यह संतुष्टि रखें। केवल वही व्यक्ति सभी को सम्मान और प्यार दे सकता है जिस व्यक्ति में औरों के लिए ईर्ष्या की भावना न हो। पर जो व्यक्ति स्वयं से असंतुष्ट होता है औरों और या तो अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है और या फिर बहुत छोटा, तो ऐसे में वह व्यक्ति न तो स्वयं को सम्मान दे पाता है और ना ही औरों को। कुछ लोगों के मुंह से यह सुनने में आता है कि हम तो कर्म योगी हैं, कर्म ही हमारे लिए पूजा है। तो कर्म योग क्या है? भगवान बताते हैं कि जिस कर्म को करते समय हमारी स्थिति श्रेष्ठ होती है, अर्थात हम पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं, उस कर्म के प्रति हमारी लगन और निष्ठा होती है, उसी को हम कर्म योग कह सकते हैं। पर सामान्यतः देखने में आता है कि लोग कर्म करते हुए या तो दूसरों पर गुस्सा कर रहे होते हैं या स्वयं से इरिटेट हो रहे होते हैं, दूसरों के लिए अपशब्द बोल रहे होते हैं, असंतुष्टता ईर्ष्या व्यक्त कर रहे होते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि यह सब करने वाला कर्म योगी है? क्या इसे हम कर्म पूजा कहेंगे? हमें लगता है कि यदि हमें कोई कुछ गलत ना कहे तो हमारी खुशी कभी ना खोए, हम हमेशा खुश रह पाए। पर क्या यह संभव है? भगवान कहते हैं, जब कहने वाला कहना नहीं छोड़ते तो फिर तुम स्वयं की स्थिति क्यों छोड़ देते हो? कोई कुछ ना कहे यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा तो कोई भी नहीं बना कि जो मौका आने पर दूसरों को बोलने से न रहता हो। और यदि कोई व्यक्ति कुछ करेगा तो उससे में कुछ गलतियां होंगी भी, तो उसके लिए भी सुनना तो पड़ेगा ही। तो क्या हम कुछ भी नया करना छोड़ दें? तो फिर क्या यह क्या बात बात पर दुखी हो जाना सही है? या भगवान की बात को याद रखकर हमेशा खुश रहना चाहिए? स्वयं से पूछें। जब हम इगोइस्टिक होते हैं, देह अभिमानी होते हैं, तो हमें हर बात दूसरों की ही गलतियां दिखाई दे रही होती हैं। पर वास्तव में परमात्मा कहते हैं कि समय सृष्टि पर हर एक अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहा है, मींस कोई भी गलत नहीं है। हमें जो मिल रहा है वह हमारे ही कार्मिक अकाउंट है। जो बॉल हमारे द्वारा फेंकी गई थी वही वापस लौट कर आ रही है। तो ऐसे में हमें उन आत्माओं से क्षमा मांग कर ही अपने अकाउंट क्लोज करने चाहिए, ना कि उनसे बदला लेकर अपने अकाउंट्स को बढ़ाना चाहिए। ये कुछ मेरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपके सबके साथ शेयर करे। आई होप यू लाइक इट। सो हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। टेक केयर। बाय बाय।